हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जंक्शन। एंड आज की वीडियो में हम कुछ न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज़ द राइट अप्रोच टू स्टडी मैथ्स इन क्लास 10। तो अब जो आने वाली कुछ वीडियोस रहेंगी, ठीक है, उसमें हम ऐसे ही कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलेंगी एंड काफ़ी ईजी हो जाएगा जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं उनका सोल्यूशन निकालना। तो हम साथ में उनका एक सोल्यूशन, एक कॉमन अप्रोच निकालेंगे जिससे आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आज का टॉपिक है, जैसे आपको पता चल गया है, दैट इज़ द राइट अप्रोच टू स्टडी मैथ्स इन क्लास 10। तो इस पर मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं जिसमें सभी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स एंड प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपको बनाकर दी है, चाहे आप बेसिक मैथ्स पे हो चाहे आप स्टैंडर्ड मैथ्स में हो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास 10 मैथ्स को आपको पता ही है, टू टाइप्स ऑफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ बेसिक मैथ्स एंड स्टैंडर्ड मैथ्स। तो हम अब स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं बेसिक मैथ्स एंड स्टैंडर्ड मैथ्स की। सबसे पहले अगर हम बेसिक मैथ्स की बात करें तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है काफ़ी सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले जो कॉमन चीज़ है जो दोनों को करनी है, बेसिक एंड स्टैंडर्ड मैथ्स वालों को, दैट इज़ टू स्टडी एनसीईआरटी। ठीक है यार, एनसीईआरटी आपकी बाइबल है, हर साल एनसीईआरटी में से आपका क्वेश्चन पेपर डाला जाता है, तो वो करना आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। बेसिक मैथ्स वालों ने अगर एनसीईआरटी भी कर ली तो उनकी काफ़ी ज़्यादा तैयारी ऑलरेडी वो मान सकते हैं कि हो चुकी है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है आपका एनसीईआरटी करना। एनसीईआरटी में भी सारे एग्जांपल्स कर लेना एंड देन उसकी एक्सरसाइजेस अच्छी तरह सॉल्व कर लेना, ठीक है। आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ एनसीईआरटी का कवर अप कर लेना है। अब तो वैसे ही सिलेबस भी रिड्यूस हो गया है तो आपके लिए आसानी रहेगी चीज़ों को कवर करना, ठीक है। तो सब कुछ कवर करने के बाद, एनसीईआरटी का सब कुछ कवर करने के बाद, आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मार्क करने हैं एनसीईआरटी बुक में से। अब जैसे अगर मेरे चैनल पे आप प्लेलिस्ट को व्यू करोगे, एक प्लेलिस्ट बनाइए जिसमें चैप्टर वाइज एनसीईआरटी में से क्वेश्चंस टिक करवाए गए हैं, जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपको उनमें नहीं छोड़ना। वो क्वेश्चंस आपको तब करने हैं जब आप रिवाइज करोगे। एक बार आपको एनसीईआरटी कंप्लीट थरली करनी है एंड देन वो क्वेश्चंस आपको मार्क करके रखने हैं एंड देन आप अपनी सेल्फ टेस्टिंग कर लो जाए, बट वो वही क्वेश्चंस हैं जो आपको छोड़ने नहीं हैं, उनको बार बार आपको रिवाइज करते जाना है। तो आप उनको मार्क ज़रूर कर लो, ठीक है, स्पेशली बेसिक मैथ्स वाले। तो स्टैंडर्ड वाले भी कर सकते हैं सेम स्ट्रेटजी एनसीईआरटी के लिए। तो उन क्वेश्चंस को आप मार्क करके रखो एंड बार बार थरली उनको रिवाइज करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो एंड लिख कर करो। ये नहीं कि ओरली आपने देख लिया, लिख कर करो वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस। उसके बाद जब आपका ये सब कंप्लीट हो जाए, यानी आपका एनसीईआरटी 100% हो जाए, उसके बाद आप जाओगे सैम्पल पेपर्स या प्रीवियस ईयर पेपर्स पर। अभी इसमें से आपकी चॉइस है, आप बेसिक मैथ्स के सैम्पल पेपर्स अगर लेना चाहोगे तो वो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाकर उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। ये आपके दिसंबर के बाद की स्ट्रैटेजी है, 3 पॉइंट्स। अभी के लिए आपको एनसीईआरटी को रिवाइज करना है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप बेसिक मैथ्स के सैम्पल पेपर्स या प्रीवियस ईयर पेपर्स को कर सकते हो। अब तो एक बार हो चुका है एग्ज़ाम बेसिक मैथ्स का भी, तो आप वो क्वेश्चन पेपर देखना एंड देन अपना चेक करना कि आपका लेवल क्या है। तो ये था सब कुछ बेसिक मैथ्स के लिए। इनके लिए कुछ ज़्यादा बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं, इनको कोई रेफरेंस बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जो पॉइंट्स बताए इनको आप फॉलो कर लो, आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके बाद स्टैंडर्ड मैथ्स आता है। तो स्टैंडर्ड मैथ्स में जैसे मैंने पहले ही बता दिया, एनसीईआरटी इज़ मस्ट, आपके लिए कॉमन चीज़ है, उसके एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइजेस कुछ भी छोड़ना नहीं है, मिसलेनियस क्वेश्चन सब कुछ आपको करना है। उसके बाद आपका जो एक और स्टेप मैं आपको रेकमेंड करूँगी, दैट इज़ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आपको इसे ज़रूर सॉल्व करना चाहिए क्योंकि हर साल इसमें से भी क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन पक्का आते हैं, तो आप अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके लिए रेफरेंस बुक करना भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर तो ये दोनों स्टेप्स, जो फर्स्ट टू स्टेप्स हैं एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, ये आपको ज़रूर करनी चाहिए। एनसीईआरटी तो मस्ट है, एग्जाम्पलर भी आप कर सकते हो, अदरवाइज ऑप्शनल है। अगर आप कोई रेफरेंस बुक जैसे कि आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल या कोई और जो भी आप रेफरेंस बुक करना चाहते हो, वो अगर आप तभी करो जब आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो, जब आपकी पहली दो चीज़ें अच्छी तरह हो चुकी हैं, यू हैव कम्प्लीटेड, देन ओनली यू गो टू दीज टू सब्जेक्ट्स। अदरवाइज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड एनसीईआरटी की बुक ही सफिशियंट है एंड उसके बाद आने वाले स्टेप्स भी आपको
पूरी तरह रेडी कर देंगे। बट अगर आप चाहते हो एक रेफरेंस बुक लगाना चाहते हो, अगर आपके पास टाइम है, आप करना चाहते हो, देन यू कैन गो फॉर एनी रेफरेंस बुक। इसमें भी बहुत सारी रेफरेंस बुक्स नहीं ले लेनी, एक रेफरेंस बुक आरडी ले लो या आरएस ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मस्ट हैं करना। क्यों? क्योंकि जो स्टैंडर्ड मैथ्स का यार जो पैटर्न है ना, वो बिल्कुल मतलब डिफ़िकल्टी लेवल है वो बिल्कुल पुराने पेपर्स की तरह है, ठीक है, जो अभी तक होते आ रहे हैं। तो वो उठा लो, उनको कर लेना, बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको वैसे ही करने नहीं चाहिए, सैम्पल पेपर्स करना चाहते हो, अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स के सैम्पल पेपर्स आप करना चाहते हो, आपके पास टाइम है, देन यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। अदरवाइज अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स ही कर लो, आपके लिए काफ़ी है, सफिशिएंट है, ठीक है। सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं, एनसीईआरटी की हुई है, एग्जाम्पलर की हुई है, अगर आपने रेफरेंस बुक रखी हुई है, तो ये मोर देन सफिशिएंट है। बट स्टिल अगर आप करना चाहते हो गे प्रीवियस ईयर पेपर सॉरी सैम्पल पेपर्स, देन यू कैन गो फॉर इट फॉर एक्स्ट्रा प्रिपरेशन एंड एक्स्ट्रा एज, ठीक है। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर्स यार ज़रूर आप सॉल्व करना, आपको लेवल पता चल जाएगा। एंड जो लास्ट ईयर एक बार आप स्टैंडर्ड मैथ्स भी हो चुका है, तो बिल्कुल न्यू पैटर्न था, उस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। तो ये थी एक बेसिक स्ट्रैटेजी बेसिक एंड स्टैंडर्ड मैथ्स की, ठीक है। बाकी आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली है। बाकी अगर आप चेंजेस करना चाहते हो तो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, ऑल राइट। उसके बाद बस यही था कुछ चीज़ें, मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें यही बताना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब ऐसे ही आगे भी बहुत सारी वीडियोस आऊँगी, 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली हैं, ठीक है। तो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।